कंट्री में आप विजिट करना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और उस वजह से आप वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? रेड टेप। क्या बोलेंगे? रेड टेप। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी, जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, और इतने स्ट्रिक्ट रूल को हम कहते हैं रेड टेप। ओके, रेड टेप। नाउ द सेकेंड वन इज रेड हियरिंग। रेड हियरिंग क्या है? जब भी कोई मेन प्रॉब्लम, कोई भी मेन प्रॉब्लम उसको अवॉइड कर दे और उसको छोड़ दे, तो हम उसको बोलते हैं रेड हियरिंग। कोई भी मेन प्रॉब्लम, जो भी मेन फोकस है, जिसको जिसको सॉल्व करना है, जिसको रिजॉल्व करना है, और उसी को ही अवॉइड कर दे कोई, तो उसको बोलते हैं रेड हियरिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रोल आउट द रेड कार्पेट। Which one is roll out the red carpet? तो कोई कहीं भी विजिट करता है, उसको एक शॉप रिप्लेस मिलता है और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो हम बोलते हैं रोल आउट द रेड कार्पेट। ओके, रोल आउट द रेड कार्पेट, मतलब रेड कार्पेट को रोल आउट कर दो। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप कहीं भी विजिट कर रहे हैं, कोई विजिट कर रहे हैं कहीं भी, और उसको बहुत सारा प्रिविलेज मिल रहा है और एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं रोल आउट द रेड प्रिविलेज। ओके, बाय बाय।